ओम चुनौतियों जीवन का स्वाभाविक अंग है। ये हमारी सुषुप्त शक्तियों को झकझोर कर इनको जागृत करने आती है। वास्तव में चुनौतियां हमें बेहतर बनाने के लिए आती है, न कि हमें तोड़ने के लिए। लेकिन इसका परिणाम क्या निकलेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन्हें कैसे लेते हैं। हर चुनौतियों में कोई संदेश छिपा होता है। हम इसे कितना किस रूप में ग्रहण करते हैं इसके आधार पर तय होता है कि ये हमें गढ़ेगी या तोड़ेगी। समझदारी साहस के साथ चुनौतियों का सामना करने, इनसे आवश्यक शिक्षा लेते हुए धैर्य के साथ इनसे पार होने में है, जिससे कि ये अभिशाप के बजाय जीवन का वरदान बन जाए। अतः चुनौतियों को कम करने के बजाय अपनी सीमाओं को चुनौतियों देने वाले अवसरों को बढ़ाते रहना चाहिए। यदि हम स्वयं को चुनौतियाँ नहीं देंगे तो कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारी क्षमताएं क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि चुनौतियों के क्षणों में ही हमारी वास्तविक क्षमताएं प्रकट होती है। असंभव से लगने वाले कार्य अनायास ही संपन्न होने लगते हैं। इसे में स्वयं पर नया विश्वास जागता है और जीवन में विकास की नई राहें खुल जाती हैं। लेकिन होता यह है कि तभी होता है जब हम अपनी आलस प्रमाद जैसी बुराइयों को चुनौतियों देते हैं। इसलिए हमें हर चुनौतियों को धन्यवाद देना चाहिए कि वह हमारे जीवन में आई, हमें अनमोल सबक दे गई, हमारी कुंभ पर की प्रतिभा में नई धार आई। इसके साथ वरन हमारा व्यक्तित्व अधिक सशक्त हुआ और हमारे चरित्र में निखार आया। किसी ने यही कहा है कि यदि जीवन में चुनौतियां नहीं आती तो इसमें सार्थक परिवर्तन भी नहीं होता। चुनौतियां ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। इसका सामना करने या उसको पार करने से संतुष्टि की गहरी अनुभूति मिलती है। यदि हम स्वयं को चुनौतियां नहीं दे पाएँ तो कभी एहसास नहीं कर पाएंगे कि हम क्या कर सकते थे या क्या बन सकते थे। अतः चुनौतियों को अपना शुभ चिंतक मानते हुए हम पूरे साहस एवं सूझबूझ के साथ इनका सामना करें और अपने जीवन को सार्थक सफल बनाएं। मैं प्रभु के आनंद में समाई रही हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। आपको नमन। सुमित्रा के तरफ से सबका शुभ हो। ओम शांति।